हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो पिछले लेक्चर में एक ही क्वेश्चन हो पाया था, ठीक है, क्योंकि तबीयत काफ़ी गड़बड़ थी। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं उसी लेक्चर को। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया था, पिछली वीडियो आप देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या है, और अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है, हम उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें हमने क्या बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो टू और मोर देन टू होंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक होगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने और आज भी हम कर लेंगे, वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसने मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया, और जो यहाँ पे ये एक्स है, एक मिनट, जो यहाँ पे ये एक्स है इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एन फाइव माइनस टू फोर वन, एंड दिस इज एक्स वन एक्स टू। ओके, और ये आपके पास क्या है, डी एक्स वन बाई डी टी एंड डी एक्स टू बाई डी टी। अब यहाँ पे जो ये टी है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड एक्स वन एक्स टू आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए, ये आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फाइव एक्स वन माइनस फाइव टू एक्स टू, और यहाँ पे क्या आएगा, फोर एक्स वन प्लस एक्स टू। ठीक है, कंपेयर कीजिए यहाँ पे, देन डी एक्स वन बाई डी टी इज इक्वल टू फाइव एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, डी एक्स टू बाई डी टी इज इक्वल टू फोर एक्स वन प्लस एक्स टू। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, देन डी बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल डी है ना, उसी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है कैन बी रिटन एज डी माइनस फाइव एक्स वन, आपका ये आ जाएगा, एंड देन प्लस टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड सेकेंड को आप कैसे लिख सकते हो, ये आपके पास है माइनस फोर एक्स वन, और ये क्या आएगा, प्लस डी माइनस वन इन टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे या तो आप x1 को एलिमिनेट कर लीजिए या फिर x2 को एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी है, जब आप x1 को एलिमिनेट करोगे तो आपको x2 की वैल्यू मिलेगी वहाँ से, और जब आप x2 को एलिमिनेट करोगे तो आपको वहाँ से x1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, आप अगर x1 को एलिमिनेट करोगे तो इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर से, एंड फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी माइनस फाइव से, देन हम थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देंगे, तो उसके बाद वहाँ से एक्स वन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो कीजिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय फोर एंड इक्वेशन फोर बाय डी माइनस फाइव, एंड देन एडिंग। ओके, उसके बाद आप ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को। तो देखिए थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी फोर से मल्टीप्लाई करने के बाद, फोर इंटू डी माइनस फाइव एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, एंड फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी, माइनस फाइव फोर डी माइनस फाइव, एक मिनट, यहाँ पे भी होगी फोर से मल्टीप्लाई, देन दिस इज एट। ओके, ये होगा माइनस फोर इंटू डी माइनस फाइव, एंड प्लस डी माइनस फाइव इंटू डी माइनस वन इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से क्या बचेगा, एक्स टू कॉमन ले लीजिए, देन ये आपके पास होगा एट प्लस डी माइनस फाइव इंटू डी माइनस वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, एट प्लस यहाँ से आएगा डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस फाइव डी प्लस फाइव इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा, डी स्क्वेयर माइनस सिक्स डी एंड प्लस थर्टीन एक्स टू इज इक्वल टू
जीरो, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, एम स्क्वेयर माइनस सिक्स एम प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशंस निकाल लिए, क्या आएंगे यहाँ पे, क्या आएंगे सॉल्यूशन, ये यहाँ पे तो ठीक किया है ना आपने, ओके ये प्लस का फाइव हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो अब कैसे निकालोगे जल्दी से बताइए। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है अगर मैं वहाँ से निकाल लूँ तो क्या आएगा यहाँ से, m इज इक्वल टू माइनस बी, बी आपके पास क्या है सिक्स, देन सिक्स प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर, देन थर्टी सिक्स माइनस फोर ए सी, यानी कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव टर्म आ जाएगी। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो कहीं पे मिस्टेक ना हुई हो इस क्वेश्चन में। यस 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 यस, कर रखी है गड़बड़ हमने, ठीक है। वैसे तो आपको तो ये समझना ही है मेथड, तो आप मेथड समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपके पास कैसे रूट्स बनेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे सॉल्यूशन लिखते हो आप, अगर आपके पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप के आते हैं, मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके पास रूट्स कुछ इस टाइप से आए, एम इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप लिखते हो कि मान लीजिए कि x2 जो है x2 t है ना, तो ये आएगा e रेज टू द पावर अल्फा t इंटू कोस ऑफ बीटा t प्लस साइन ऑफ बीटा t, और यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्स्टेंट c1 c2। तो आप ऐसे लिखते हो, है ना, यहाँ से निकालना, उसके बाद आप सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है। ऐसे ही आप x2 को एलिमिनेट कर सकते हो तो आपके पास x2 भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में आपके पास क्या था, इधर भी माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पे सिंपल से रूट्स आएंगे, वो सोल्व कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपका ऐसा ही है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, डी एक्स वन बाय डी टी, एंड यहाँ से आएगा डी एक्स टू बाय डी टी, ओके इज इक्वल टू, ये क्या है वन टू थ्री टू, और ये क्या होगा एक्स वन एक्स टू, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स वन प्लस टू एक्स टू, एंड दिस इज थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू, ओके। अब देखिए कंपेयर कीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा डी एक्स वन बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड डी एक्स टू बाय डी टी इज इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट को, दिस इज डी माइनस वन इंटू एक्स वन माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, और यह आएगा माइनस थ्री एक्स वन प्लस डी माइनस टू इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ, ओके। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कीजिए थ्री से, एंड इक्वेशन फोर को मल्टीप्लाई कीजिए डी माइनस वन से, देन एलिमिनेट एक्स वन, ओके। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाय थ्री एंड इक्वेशन फोर बाय डी माइनस वन, देन वी गेट थ्री इंटू डी माइनस वन एक्स वन माइनस सिक्स एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, एंड माइनस थ्री डी माइनस वन एक्स वन प्लस डी माइनस वन डी माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगी आपकी, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दिस इज डी माइनस वन डी माइनस टू माइनस सिक्स इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
इसको सोल्व कीजिए, डी स्क्वेयर माइनस टू डी माइनस डी प्लस टू माइनस सिक्स इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वेयर माइनस थ्री डी माइनस फोर इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, और ये होगा डी स्क्वेयर माइनस थ्री डी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एंड देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास जब फैक्टर करोगे क्या आएगा, एम स्क्वेयर एंड ओके मैं से निकाल लेते हैं इसके भी डिस्क्रिमिनेंट से, तो ये आएगा m इज इक्वल टू माइनस बी, बी आपका यहाँ पे थ्री है प्लस माइनस बी स्क्वेयर इज नाइन एंड माइनस फोर ए सी, तो फोर ए सी क्या होगा इज प्लस सिक्सटीन। ओके, और ये यहाँ से क्या आ जाएगा टू ए, तो ये होगा थ्री प्लस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा ट्वेंटी फाइव बाई टू एंड दिस इज m इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस फाइव बाई टू। ओके, तो ये आपके पास आएगा एट बाई टू एंड यहाँ पे माइनस टू बाई टू, तो रूट्स यहाँ पे आ गए आपके पास एम वन इज फोर एंड एम टू इज माइनस वन। सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ से, एक्स टू टी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर क्या है फोर एंड माइनस वन, ई रेज टू द पावर माइनस फोर टी, एक मिनट प्लस का है ना फोर, तो ई रेज टू द पावर फोर टी प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स वन टी की, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे देखो एक्स वन टी आपका यहाँ से निकल सकता है ना, इधर से देखो जो इक्वेशन सेकंड है यहाँ से, लेकिन किसकी ज़रूरत है एक्स टू टी की, ये आपके पास ऑलरेडी है, एक ज़रूरत पड़ने वाली है डी एक्स टू बाई डी टी की, तो हम क्या करेंगे एक्स टू जो आपके पास है डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए वहाँ पे टी की रिस्पेक्ट में और इक्वेशन टू में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी एक्स टू बाई डी टी क्या आएगा, डी एक्स टू बाई डी टी इज इक्वल टू फोर सी वन ई रेज टू द पावर फोर टी माइनस वन इंटू सी वन सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, ये आपके पास आ गया फोर सी वन ई रेज टू द पावर फोर टी माइनस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, है ना। एंड नाउ पुट इन इक्वेशन टू, ओके पुट इन इक्वेशन टू, ओके जब आप इक्वेशन टू में पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डी एक्स टू बाई डी टी क्या है फोर सी वन ई रेज टू द पावर फोर टी माइनस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू, थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू यानी कि टू सी वन ई रेज टू द पावर फोर टी प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, है ना। तो ये आपके पास आ गया फोर सी वन ई रेज टू द पावर फोर टी माइनस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस टू सी वन ई रेज टू द पावर फोर टी प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, ओके टू। ठीक है, सी वन को कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा फोर ई रेज टू द पावर फोर टी एंड माइनस टू ई रेज टू द पावर फोर टी, सी वन कॉमन आ जाएगा एंड प्लस माइनस ई रेज टू द पावर टी एंड माइनस टू ई रेज टू द पावर माइनस टी सी टू आपका कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू थ्री एक्स वन। ओके, तो ये आपके पास क्या आएगा टू ई रेज टू द पावर फोर टी सी वन एंड यहाँ से आएगा माइनस थ्री ई रेज टू द पावर माइनस टी सी टू इज इक्वल टू थ्री एक्स वन। ओके, एंड यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स वन टी इज इक्वल टू वन बाई थ्री और ये आएगा टू ई रेज टू द पावर फोर टी सी वन माइनस थ्री ई रेज टू द पावर माइनस टी सी टू। ठीक है, तो ये आएगा टू बाई थ्री सी वन ई रेज टू द पावर फोर टी एंड माइनस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। ओके, ठीक है, ओके
तो ये आपके पास आ गया एक्स वन टी एंड एक्स टू टी, ठीक है। एक्स वन टी ये हो गया और एक्स टू टी आपके पास ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको अगर आपके पास साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही है। कैसे करोगे आप, वीडियो को पॉज करके एक बार देखो, सॉल्व करके देखो, जब आप खुद करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपने इसकी बेसिक वीडियो नहीं देखी है, बेसिक लेक्चर हमने लिया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस रहते थे, वैसे हमने उस लेक्चर में भी किए हैं 2-3 क्वेश्चन तो, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाए थे, वहाँ पे हमने बेसिक लेक्चर ही लिया था, ठीक है। देखिए सेम ऐसे ही कीजिए इसको भी, ये क्या होगा डी एक्स वन बाय डी टी और ये क्या होगा डी एक्स टू बाय डी टी, ओके। एंड दिस इज मैट्रिक्स आपके पास 2x2 की है 3, 1, 4, 3 और ये क्या होगा एक्स वन एक्स टू, ओके। इसको ओपन कीजिए, देन दिस इज 3x1 + x2 और ये क्या होगा 4x1 + 3x2, ठीक है। कंपेयर कीजिए यहाँ पे, डी एक्स वन बाय डी टी इज इक्वल टू 3x1 + x2 एंड डी एक्स टू बाय डी टी इज इक्वल टू 4x1 + 3x2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये क्या होगा डी माइनस 3 × x1 - x2 इज इक्वल टू 0 एंड -4x1 + d - 3x2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ, ओके। उसके बाद सेम वही एक्स वन को एलिमिनेट कीजिए, एक्स वन को मल्टीप्लाई करिए 4 से एंड एक्स टू को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए जो सॉरी इक्वेशन थर्ड है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से एंड इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कीजिए डी माइनस 3 से, ठीक है। तो क्या आएगा 4d - 3 x1 - 4x2 इज इक्वल टू 0 और ये क्या होगा -4d - 3x1 - d - 3² x2 ये प्लस है इज इक्वल टू 0। उसके बाद ऐड करनी है दोनों, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा d - 3² - 4 × x2 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा d² + 9 - 6d - 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज d² - 6d और यहाँ से क्या आएगा +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी यहाँ से m² - 6m + 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या होंगे m² - 5m - m + 5 इज इक्वल टू 0 एंड m कॉमन ले लीजिए, देन m - 5 एंड माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आएगा m - 5 इज इक्वल टू 0। m - 5 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बचेगा आपके पास m - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर्स आ गए आपके पास m = 5 एंड m = 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, x2t इज इक्वल टू c1e⁻⁵t एंड +c2e⁻⁷t, ओके। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है x1t, ठीक है। तो देखिए जो इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है यहाँ पे हम क्या करते हैं x2t की वैल्यू पुट करते हैं और dx2t / dt की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, उसके बाद x1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो कीजिए dx2 / dt क्या आएगा डिफरेंशिएशन इसका 5c1e⁻⁵t + c2e⁻⁶t। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2t एंड dx2 / dt
इन इक्वेशन सेकंड. ओके तो क्या आएगा, 5c1 e रेज टू द पावर 5t प्लस c2 e रेज टू द पावर t इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड क्या, 4x1 प्लस 3x2. 4x1 प्लस 3x2 इज c1 e रेज टू द पावर 5t प्लस c2 e रेज टू द पावर t. ओके तो इसको सोल्व कीजिए, 5c1 e रेज टू द पावर 5t प्लस c2 e रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3c1 e रेज टू द पावर 5t प्लस 3c2 e रेज टू द पावर t. ओके और ये क्या आएगा आपके पास जब, ओके सिंपल कर लेते हैं हम. देखिए 5c1 e रेज टू द पावर 5t एंड यहाँ से क्या जाएगा, माइनस 3c1 e रेज टू द पावर 5t. तो क्या बचेगा, 2c1 e रेज टू द पावर 5t और यहाँ से क्या आएगा, c2 e रेज टू द पावर t एंड माइनस 3c2 e रेज टू द पावर t. तो माइनस 2c2 e रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 4x1, है ना. तो ये क्या आएगा, x1t इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज 2c1 e रेज टू द पावर 5t एंड माइनस 2c2 e रेज टू द पावर t. तो ये क्या होगा, 1/2 c1 e रेज टू द पावर 5t एंड माइनस 1/2 c2 e रेज टू द पावर t. ओके आप यहाँ से 1/2 c1 को आप c1 भी पुट कर सकते हो. तो ये क्या आ जाएगा, c1 e रेज टू द पावर 5t एंड माइनस c2 e रेज टू द पावर t एंड वे है c1 इज इक्वल टू 1/2 c1 एंड c2 इज इक्वल टू 1/2 c2. ठीक है, ओके. या फिर आप ये कर सकते हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो सिंपल क्या बचेगा, c1 e रेज टू द पावर 5t माइनस c2 e रेज टू द पावर t. ओके ठीक है, ओके. तो यहाँ से आपके पास आ गया, दिस इज सी वन टी एंड सॉरी x1t एंड दिस इज x2t. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप एक बार इसको सोल्व करके देखिए आपसे होता है या नहीं, उसके बाद हम करते हैं. ठीक है,
हुआ किसी से, हो ही गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम कर भी लेते हैं वैसे, है ना। देखो यहाँ से वही डी एक्स वन बाय डी टी एंड डी एक्स टू बाय डी टी, ओके। ये क्या होगा, वन थ्री थ्री वन, और यहाँ पे एक्स वन एक्स टू, यहाँ से आएगी एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू एंड थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है। कंपेयर कीजिए, डी एक्स वन बाय डी टी इज इक्वल टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ये क्या होगा, डी एक्स टू बाय डी टी इज इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, डी माइनस वन इंटू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड ये क्या होगा, माइनस थ्री एक्स वन प्लस डी माइनस वन इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ, ओके। अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कीजिए आप थ्री से, एंड इक्वेशन फोर को मल्टीप्लाई कीजिए डी माइनस वन से, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी क्या होगी, थ्री डी माइनस वन एक्स वन माइनस, यहाँ पे आएगा एक मिनट, इधर से क्या होगा, नाइन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, माइनस थ्री डी माइनस वन एक्स वन प्लस डी माइनस वन स्क्वेयर एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, ओके। ऐड कीजिए दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से रहेगा डी माइनस वन स्क्वेयर माइनस नाइन इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, और ये आएगा डी स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू डी माइनस नाइन इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा, डी स्क्वेयर माइनस टू डी माइनस एट इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज डी स्क्वेयर माइनस टू डी माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वेयर माइनस टू एम माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कीजिए, एम स्क्वेयर माइनस फोर एम प्लस टू एम माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज एम कॉमन ले लीजिए एम माइनस फोर, यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए एम माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एम माइनस फोर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या आएगा, एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एम इज इक्वल टू फोर एंड एम इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक्स टू टी निकल जाएगा, एक्स टू टी क्या आएगा आपके पास, एक्स टू टी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर फोर टी प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू टी। यहाँ से ही आप एक्स वन को इवेल्युएट कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, डी एक्स वन बाई डी टी इज इक्वल टू फोर एक्स वन माइनस एक्स टू एंड डी एक्स टू बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू, ठीक है। तो यहाँ से भी डी माइनस फोर इंटू एक्स वन एंड प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड माइनस एक्स वन प्लस डी माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करोगे अब यहाँ पे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, ओके फर्स्ट को जरूरत नहीं है, आप क्या करो सेकेंड को मल्टीप्लाई कीजिए डी माइनस फोर से, ठीक है। तो क्या आएगा, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको एज इट इज लिख लीजिए, डी माइनस फोर एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, और ये होगा माइनस डी माइनस फोर एक्स वन प्लस डी माइनस फोर इंटू डी माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा, डी माइनस फोर इंटू डी माइनस टू प्लस वन, और एक्स टू आपका कॉमन आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वेयर माइनस टू डी माइनस फोर डी
प्लस एट प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होगा डी स्क्वेयर माइनस सिक्स डी प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वेयर माइनस सिक्स एम प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड देन फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम माइनस थ्री एम प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड एम कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एम माइनस थ्री, माइनस थ्री कॉमन ले लीजिए, देन एम माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एम माइनस थ्री कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या रहेगा, एम माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से आ गया एम इज इक्वल टू थ्री एंड थ्री। यहाँ पे अब रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट के केस में आप सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, बोलिए जल्दी कैसे लिखते हो रिपीटेड रूट के केस में, बोलो कैसे लिखोगे। देखो C1 क्या आएगा, यहाँ से एक्स टू टी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर थ्री टी प्लस टी सी टू ई रेज टू द पावर थ्री टी, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करना, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना और यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है, एक्स टू की वैल्यू और डी एक्स टू बाई डी टी की वैल्यू, तो वहाँ से आपके पास एक्स वन टी निकल जाएगा। ओके, सिंपल है, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है, कर लेना इसको भी ट्राई, इसको भी ट्राई कर लेना आप। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम, देखिए इसमें क्या कहा इसने कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑपरेटर्स, अगर आपके पास जो साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अगर वहाँ पे आपके पास इस टाइप के ऑपरेटर मिल जाए कि इस टाइप के ऑपरेटर इन्वॉल्व है एक्स टी बाई डी एक्स टी बाई टी इंटू डी बाई डी टी, ठीक है, अगर इस टाइप के ऑपरेटर्स वहाँ पे इन्वॉल्व है तो आपको क्या करना है, उस केस में क्या करना है, आपको क्या करोगे, t को e रेज टू दी पावर z पुट कर देना, ठीक है। ओके, मान लीजिए कि आपके पास t इंटू डी बाई डी टी है, ठीक है, t इंटू डी बाई डी टी है, तो आपको क्या करना है, t को e रेज टू दी पावर z पुट कर देना, ठीक है, ये t को e रेज टू दी पावर z पुट कर देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको, ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, t इंटू डी बाई डी टी, ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा आपको क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर z, ठीक है, कर दोगे। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लेट d1 वन इज सिमिलर टू d बाई डी जेड, ये आई होप सबको ही पता होगा, ठीक है, यहाँ जब से जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास यही आने वाला है, तो डी डी टी इंटू डी बाई डी टी की जगह पे क्या आ गया, डी वन, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, डी वन प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मिनट, एक्स तो रह ही गया, देखिए डी वन इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, जब आप सेकंड में पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स ये देख लीजिए, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, इज डी वन वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। ओके, अब वही काम है इसके आगे, एलिमिनेट ही करना है आपको, एक्स वन को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन फोर्थ को मल्टीप्लाई कीजिए आप डी वन से, ठीक है, उसके बाद ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा, डी वन और ये डी वन स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है,
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बल्कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और इधर से बचेगा डी स्क्वेयर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आएगा डी वन स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू वाई और यहाँ से आपके पास रूट्स बन जाएंगे डी वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आपके पास निकल के आएगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू द पावर टी प्लस सी टू ई रेस टू द पावर माइनस, सॉरी जेड में है तो जेड में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जेड किसके इक्वल है, लॉग टी के, जेड क्या आएगा यहाँ से लॉग ऑफ टी, तो ये आपके पास हो जाएगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू द पावर लॉग टी प्लस सी टू ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ लॉग टी, और ये क्या होगा वाई टी इज इक्वल टू सी, ये होगा सी वन टी एंड प्लस सी टू बाई टी। ऐसे ही आप एक्स वन टी एक्स टी को एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा, तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, है ना, आप कर लेना एक मिनट। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये भी आपका बिल्कुल सेम ही है, वही करना है, टी को आप ई रेज टू द पावर जेड पुट कर दीजिए तो यहाँ से जेड क्या आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ टी आ जाएगा, और जो टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर है वो आपके पास क्या आएगा डी इंटू, देखिए तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी डी वन इंटू डी वन माइनस वन। ठीक है, एंड प्लस डी वन और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स कॉमन निकल जाएगा प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी माइनस टू एक्स प्लस और यहाँ से आएगा डी वन इंटू डी वन माइनस वन प्लस डी वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लेना सिंपल, ऐसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपके पास टी इंटू डी बाई डी टी की फॉर्म आ जाती है तो टी को ई रेज टू दी पावर जेड पुट कर देना है। ठीक है, और ऐसी इक्वेशंस आपको पता भी होंगे क्योंकि जो आइलर जो टाइप की इक्वेशंस होती हैं वो आपने रीड की होगी। ठीक है, उनमें भी हम ऐसा ही करते हैं। ओके, आप एक बार देख लेना जो आइलर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है गेट में। ठीक है, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये मैं करवा देती हूँ आपको, है ना। इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना क्योंकि बिल्कुल आसान टॉपिक और क्वेश्चन आ ही जाता है नेट में भी और गेट में भी। ठीक है, देखिए क्या कहा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाई प्लस डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डी वाई बाई डी एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट क्या है, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ये दोनों इक्वेशन है, जो एक्स वेरिएबल है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, वो आपके पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो यहाँ पे y और z है ये आपके पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, वो आपके पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब जो इक्वेशन ये फर्स्ट है एंड ये आपके पास हो गई सेकंड। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में d बाई डी एक्स को d पुट कर दीजिए तो क्या आएगा डी जेड प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये आपके पास क्या आएगा दिस इज माइनस जेड प्लस डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आप क्या करो, इक्वेशन फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए d से। ठीक है, जब आप d से मल्टीप्लाई करोगे तो ये d आएगा, इधर डी स्क्वेयर दोनों को ऐड कर दीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आएगा डी स्क्वेयर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया एम स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज एम स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, रूट्स क्या आएंगे, सॉरी स्क्वेयर नहीं, तो रूट यहाँ पे क्या आ जाएंगे वाई, वाई निकल के आया ना आपका, तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन कोस ऑफ एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ एक्स।
है ना, एक्स ही इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे ही आएंगे सॉल्यूशन आपके पास। ओके, यहाँ तक ठीक है। इसने कॉन्स्टेंट अल्फा बीटा लिया है, तो हम भी अल्फा बीटा कंसिडर कर लेते हैं सी वन सी टू की जगह पे। ओके, तो अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जेड ऑफ एक्स, है ना। तो वो आप कैसे निकाल लोगे, देखिए जेड एक्स हमें निकालना है, तो क्या कीजिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए और सेकंड में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा कोस ऑफ एक्स एंड पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा कोस ऑफ एक्स, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो जेड आपके पास क्या आ गया, माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कोस ऑफ एक्स। ओके, आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या आ जाएगा, अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा कोस एक्स, ठीक है। ओके, ये देख लीजिए जो ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन सेकंड में आपके पास वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, तो इक्वेशन सेकंड जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी आपका गेट में आया हुआ है 2004 में, इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए जो डी एक्स जो एक्स डैश है एंड जो वाई डैश है, यहाँ से देखिए टी के फॉर्म में है, यानी कि टी यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना। तो जो एक्स डैश है वो क्या है, डी एक्स बाई डी टी है, एंड जो वाई डैश है वो क्या है, डी वाई बाई डी टी, ठीक है यहाँ तक। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई इज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप फर्स्ट को कैसे लिख सकते हो, डी माइनस वन इंटू सॉरी डी प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड ये क्या होगा, माइनस फोर एक्स प्लस डी माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, यहाँ से एक्स को एलिमिनेट कर लीजिए, उसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन थ्री को मल्टीप्लाई करना होगा फोर से, एंड इक्वेशन फोर को मल्टीप्लाई करना होगा डी प्लस वन से, ठीक है। तो कीजिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा, फोर डी प्लस वन इंटू एक्स माइनस एट वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज फोर, ये होगा डी प्लस वन एक्स, एंड प्लस ये डी प्लस वन इंटू डी माइनस वन वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा डी स्क्वेयर माइनस वन माइनस एट इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक मिनट, ये यहाँ से आएगा डी स्क्वेयर माइनस वन, और ये क्या है माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वेयर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, एंड डी स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन, तो ये आपके पास आएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई किसकी, y की, है ना, y ऑफ t की। तो y ऑफ t आएगा c1 वन ई रेज टू दी पावर थ्री टी प्लस सी टू ई रेज टू दी पावर माइनस थ्री टी, ठीक है। अब हमें निकालनी है किसकी, एक्स टी की, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए y और dy वाई बाई डी टी की, है ना। तो dy वाई बाई डी टी यहाँ से आएगा थ्री सी वन ई रेज टू दी पावर थ्री टी माइनस थ्री सी टू ई रेज टू दी पावर माइनस थ्री टी, ठीक है। पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में, तो ये होगा थ्री सी वन ई रेज टू दी पावर थ्री टी माइनस थ्री सी टू ई रेज टू दी पावर माइनस थ्री टी, और यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई, फोर एक्स प्लस वाई क्या है सी वन ई रेज टू दी पावर थ्री टी प्लस सी टू ई रेज टू दी पावर माइनस थ्री टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज टू सी वन ई रेज टू द पावर थ्री टी एंड माइनस फोर सी टू ई रेज टू द पावर माइनस थ्री टी इज इक्वल टू फोर एक्स, ठीक है। तो ये आएगा एक्स टी इज इक्वल टू टू बाई फोर सी वन ई रेज टू द पावर थ्री टी माइनस फोर से फोर कैंसल सी टू ई रेज टू द पावर माइनस
थ्री टी, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से, टू सी वन ई रेज टू दी पावर थ्री टी, एक मिनट, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सी वन ई रेज टू दी पावर थ्री टी माइनस टू सी टू ई रेज टू दी पावर माइनस थ्री टी, ये एक्स एक्स टी आ गया और वाई टी आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैच कर लेना, ओके। तबीयत ख़राब है इसलिए शायद अच्छे से ना करवा पाई हो, उसके लिए सॉरी, बट ट्राई कर लेना, इजी है, ओके, थैंक यू सो मच।